हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम टेक में। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस के बीच में जो थर्ड T20 खेला जाना है, उसकी हम ड्रीम 11 टीम लेके आए हैं दोस्तों। और एक दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हम आपको ड्रीम 11 टीम देते हैं वो बेस्ट प्लेइंग 11 होती है। उसमें से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी चॉइस का चुनना होता है, क्योंकि कई दोस्त हमें कमेंट करके कह रहे हैं कि सर आपकी टीम हार गई है। दोस्तों, ये जो आपको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूँ, आपको उनमें से कोई भी सेलेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो टीम खेली थी उसमें जीत चुका हूँ। तो मैं आपको जो टीम बताता हूँ, सो वाइस कैप्टन और कैप्टन आपके चॉइस का होता है, तो रिस्क भी आपका ही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अगर आप कहते हैं कि सर आपकी टीम हार गई वो टीम, तो मैं आपको एक चॉइस बताता हूँ कि ये कैप्टन मैंने लिए हैं और ये बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे बेस्ट टीम देने की मैं कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बता देता हूँ जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हो सकती है। जैसे हम देख रहे हैं नाहिदा, ये जो टीम है दोस्तों, ये जो आज खेली थी ये वो टीम है, और जो पहले खेलती थी वो टीम है। दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए आमने सामने मैंने लिखे हैं दोस्तों। चलते हैं, नाहिदा खान ज़रूर खेलेगी। आज सदिया अमीन को खिलाया गया था नथेलिया की जगह पर। सेकेंड टाइम नथेलिया ने ओपनिंग किया था, पर नथेलिया को निकाल कर सदीरा अमीन को लाया गया था। यहाँ पे बिस्मा मरूफ कैप्टन है, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। जवीरे खान निदादार, मैंने आज निदादार को कैप्टन बनाया था, अच्छी विनिंग की। मैं स्मॉल लीग में तो खेलता हूँ दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर अपना प्रूफ दे दूँगा, विनिंग प्रूफ कि मैं जीता हूँ या नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एंता इम्ताज, साना मीर, फेरेक महमूद, देना बेग, नसार संदूक, गुलाम फातिमा, ये थी आज की प्लेइंग 11। और इसमें आपको बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सदिरा इमीन को क्यों खिलाया गया, ये मेरे प्रेडिक्शन के बाहर है। उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा। जैसे आपको स्टैट्स बता दूँ, तो पहले 3 ओडिया में देखा जाए तो 0-2-21, फिर एक मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया, एक में इस बैच में शायद 10 रन थे। अब परफॉर्मेंस देख लो, 0-2-21 नहीं खेले 10, ये परफॉर्मेंस कुछ ऐसे नहीं है कि आप उन्हें लेके आओ अपनी टीम में और खिलाओ। और मुनीब अली क्यों नहीं खेल रही है हमें पता नहीं है, अब तक कोई भी चीज़ बाहर निकल के नहीं आई कि वो इंजर्ड है या क्या बात है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तो काफ़ी ही अच्छा रहा है। उनको टीम से बाहर क्यों रखा जा रहा है, हमारे पास कोई भी न्यूज़ इसके बारे में निकल के बाहर नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट मैच में शायद सदीरा अमीन नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए। उनके जगह नथेलिया वापस आ सकती है, और मुनीब अली वहाँ पे अवेलेबल रहती है या फिट है या क्या है हमें नहीं पता। अगर आप ग्रैंड लीग टीम खेल रहे हो तो एक में मुनीब अली को ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर खेलते हैं तो आपको विन करा सकते हैं। सदीरा में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा ही नहीं है, तो मेरे घर से नेक्स्ट मैच में नथेलिया ज़रूर खेलेगी, और बाकी सदीरा में को खिलाते हैं तो ये कैप्टन की खुद की चॉइस हो सकती है दोस्तों। और यहाँ पर निदादार, ये टॉप 4-5, दीना बेग, नसार संधु, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, कंफर्म खेलते ही हैं इनकी टीम से। और बचते यहाँ पे कैंता इम्तियाज, गुलाम फातिमा और फेरक महमूद भी कंफर्म खेलने वाले हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ से 10 का हम कह सकते हैं खेलने वाले। सदीरा अमीन का परफॉर्मेंस मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस टीम में लेने लायक नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेइंग 11 आपको दिखा देते हैं, श्रीलंका की प्लेइंग 11 जो हमने बना रखी है यहाँ पर। ये प्लेइंग 11 दोस्तों जो आज मैच हुआ है उसके हिसाब से बनाई गई है, मैं आपको दिखा दूँ। अनुष्का संजीवनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं उनकी तरफ से। अच्छा, मेरा टिकट पास सेकंड डाउन आई थी, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाई, पर 13 मिल्का मेंडिस को थर्ड को ओपनिंग कराया जा रहा है, उनके पास बैट्समैन की कमी थी, तो उनसे सोच रहे हैं कि कुछ अच्छे रन बनाएगी, और आज शायद 11 रन बना पाए। अरेबिका काफ़ी अच्छी ऑप्शन कहूँगा विकेट कीपर के लिए, अगर आप कोई भी टीम खेल रहे हैं ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम, आपकी विकेट कीपर रिबिका ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की विकेट कीपर काफ़ी लो आ रही है, और ये 3rd, 4th, 5th और ज़्यादा से ज़्यादा 6th पे आती हैं, तो इनकी बैटिंग ज़रूर आ ही जाती है श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप देख के। शशिकला श्रीवर्धन, सुगंधिका कुमारी का परफॉर्मेंस, आज 4 विकेट लिए हैं, और हमेशा एक मैच में 1 से 2 विकेट ले ही रही हैं। और ईमा कांचना के बारे में, अच्छी मेन बॉलर हैं, और डी सिल्वा भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो ये भी ज़रूर खेलेंगी। वो शादी का भी ज़रूर खेलेंगे, उनकी बॉलिंग अच्छी रही है, आज 1 विकेट ले लिया है उन्होंने। और आज जो चेंज हुआ था, एकमात्र हम कह सकते हैं वो दिशिका का चेंज हुआ था।
ठीक है दोस्तों, उदिशिका को खिलाया गया था जो प्रेडिक्ट कर पाना हमने सोचा भी नहीं था कि वो खेलेगी। काफ़ी ही हैरान करने वाला था, मैं तो सोच प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि वो सीधा खेल सकती है। यहाँ पर 7 नंबर के बारे में दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया, 7 नंबर के बारे में सीना परेरा मेरे को समझ के बाहर क्यों खेल रही हैं। आपको स्टैट्स बताता हूँ, पहले मैच में 0-11, 8-0, इस मैच में तो शायद उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाई दोस्तों। ठीक है, तो इस स्टैट से मुझे नहीं लगता उन्हें खिलाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हसीनिका को फाइनल मैच में बाहर कर दिया जाएगा 30-20 में, तो उनकी ज़्यादा चांसेस चमीरा खेलें। ठीक है दोस्तों, उनकी ज़्यादा चांसेस है चमीरा खेलें या फिर निपुण हंस का खेलें। ठीक है दोस्तों, चमीरा का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है, 60% चांस है कि चमीरा खेल सकती हैं, 40% चांस है कि निपुण का खेलें, और बाकी टीम मैनेजमेंट देखें अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको मैं अपनी प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ जो मैंने बना रखी है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, मैं प्लेइंग 11 बताता हूँ, बेस्ट 11 बताता हूँ मेरे हिसाब से, आप उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी चॉइस का ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको कीपर के बारे में बताना चाहूँगा, मैंने पहले रेबिका को लिया था एस कीपर, पर जो क्रेडिट्स थे वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए मुझे महमूद के साथ जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे कुछ पॉइंट्स मेंटेन हो गए हैं। अगर आपके मेंटेन हो पाते हैं, आप मैनेज कर लेते हो, तो आप रेबिका के साथ ही ज़रूर जाइए दोस्तों। यहाँ पर बैटिंग में आपको बता दूँ, मैंने बिस्मा मरूफ को ले रखा है, जवीर खान को ले रखा है और संजीवनी को ले रखा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके लिए ऑप्शन नहीदा खान भी अच्छी होंगी, और सदर अमीन को तो मैं प्रमोट शुरू से ही नहीं कर रहा हूँ, और मुनीब अली खेलती हैं, तो ग्रैंड लीग टीम आप इसे एक बार ज़रूर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हसनीना परेरा मैं नहीं कहता, मिल्का मेंडिस को आप ले सकते हैं ऐसे ग्रैंड लीग टीम में, स्मॉल लीग में नहीं, उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा है। और ऑलराउंडर्स में हमने लिए हैं, चमीरा को मैंने मिस किया है पॉइंट्स की वजह से, नहीं श्रीकला श्रीवर्धनी की वजह से, पॉइंट्स की वजह से श्रीकल को ड्रॉप करता हूँ तो चमीर का नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मोस्टली ऑलराउंडर्स हम 3 ही ले पाते हैं, और ऐसा परफॉर्मेंस में हम देखें, और शशिकला और चमीरा ओपनिंग करने आती हैं, पर शशिकला अच्छी बैटिंग भी कर लेती हैं, 5-10-20 रन भी बना लेती हैं, और हर मैच में 2-3, 2-1, 2 विकेट भी ले लेती हैं। हर एक मैच में ऐसा है ही नहीं कि उन्हें विकेट नहीं लिया, जैसे फर्स्ट मैच में 2 विकेट लिए, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 1, और इस बार तो 4 विकेट ले लिए दोस्तों उन्होंने। हर मैच में देखा 1-2 विकेट और 10 रन, इसका मतलब आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला देते हैं। आप यहाँ पर चमीरा के साथ भी जा सकते हो, शशिकला, निदादार, सनामीर और नथेलिया को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक टीम में ग्रैंड लीग में। ठीक है दोस्तों, और चमीरा को भी जैसे मैं बता चुका हूँ, उनके चांसेस हैं खेलने के सदर अमीन की यहाँ पर ऐसे परफॉर्मेंस, यहाँ पर सिल्वा भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकती हैं, अगर आप लग बाय चांस कह सकता हूँ हो सकती हैं, पर पता नहीं कब स्कोर कर जाएँ कब नहीं। यहाँ पे मैंने दीना बेग को लिया, नसर संधू को लिया, इमा कांचना को लिया है दोस्तों, और यहाँ पे सुगंधिका कुमारी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, बहुत से लोगों ने पिक ही नहीं कर रहे हैं, देखा नेक्स्ट मैच में सिर्फ 16 लोगों ने पिक किया था दोस्तों, और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ही बढ़िया रहा है, हर मैच में ये भी विकेट ले रही हैं, अब इसके साथ ज़रूर जाएँ। और आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप यहाँ पर उसी के साथ भी जा सकते हैं, ग्रैंड लीग टीम खेल रहे हो, गुलाम फातिमा के जा सकते पर जो दोस्तों मैंने प्लेयर यहाँ पे बॉलर्स लिए हैं वो स्मॉल लीग टीम में बेस्ट बॉलर्स हैं दोस्तों, इसके बाहर आप मत लीजिएगा, स्मॉल लीग टीम खेल रहे हैं। तो कैप्टन बता दूँ, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर आपकी टीम हार गई है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से आपकी खुद की चॉइस होती है दोस्तों। ठीक है, जवेरिया खान को भी आप कैप्टन बना सकते हैं, बिस्मा मरूफ को भी, संजी को भी, निदादार को भी, सनामीर को भी, और यहाँ से मैंने दोस्तों आपने एक चीज प्रिट देखा है सनामीर किया, सुगंधिका कुमारी को बना सकते हैं, पर इस बार उन्हें 4 विकेट लिए, हर बार नहीं लेते हैं, तो दोस्तों मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के हर बार विकेट जाएंगे ही जाएंगे दोस्तों। अगर आप हो सके तो टॉप 6 में से ही लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से आप कैप्टन वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग टीम खेल रहे हैं या स्मॉल टीम, आप इसमें से प्रेडिक्ट कीजिए, आप ज़रूर विन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक वीडियो का, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय दोस्तों।